दिस इज अनदर वीडियो फॉर द एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड द टॉपिक इज बायो केमिस्ट्री एंड द मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि जो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन में. आई विल डिस्कस देम. तो लेकिन नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कोलेजन एंड एल्ब्यूमिन आर, ऑप्शन ए है ड्राई प्रोटीन, बी है पॉलीअमाइड्स, सी है सिंपल प्रोटीन एंड डी है पॉलीसेकेराइड्स. पॉलीअमाइड ये हो नहीं सकता है क्योंकि पॉलीअमाइड एक बॉन्ड का नाम है, ठीक है, या एक पॉलीमर की कैटेगरी में आता है. कोलेजन एंड एब्लुमिन बेसिकली प्रोटीन है, और या तो ये ड्राई प्रोटीन हो सकता है या सिंपल पॉलीसेकेराइड भी नहीं हो सकता क्योंकि पॉलीसेकेराइड का ताल्लुक कार्बोहाइड्रेट से होता है. तो हमारे पास जो ऑप्शन है ये सिंपल प्रोटीन होता है, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पॉलीमर इन विच द नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू इज ग्रेटर देन 100 और द मॉलिक्यूलर मास इज ग्रेटर देन 10,000 इज कॉल्ड. ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रोटीन, बी में पॉलीपेप्टाइड, सी में डाइपेप्टाइड और डी में ट्राइपेप्टाइड. अच्छा, अगर आपको याद हो बेसिकली अगर हम पेप्टाइड के रिस्पेक्ट से देखें कि जब अमाइनो एसिड्स ज्वाइन होते हैं तो यानी कि दो अमाइनो एसिड मिलते हैं तो डाइपेप्टाइड बनता है, तीन मिलते हैं तो ट्राइपेप्टाइड, इसी तरीके से मोर देन 3 और 4 को हम पॉलीपेप्टाइड. तो उस चीज़ को हम प्रोटीन नहीं कहते, वो कोई बहुत बड़ा यूनिट नहीं होता. तो जब 100 या मोर देन 100 यूनिट्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो उस चीज को हम प्रोटीन कहा जाता है. या तो हमारे इस ऑप्शन का यानी कि क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रोटीन. अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर डिस्क्राइब एज लार्ज मॉलिक्यूल्स बिल्ड अप ऑफ द स्मॉल रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड, इसको हम मोनोमर्स कहते हैं. बिल्कुल सेम टर्मिनोलॉजी है जैसा कि पॉलीमराइजेशन. पॉलीमर्स में भी हम जब उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको मोनोमर्स कहते हैं. इसी तरह से मैक्रो मॉलिक्यूल्स उसी का दूसरा नाम है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो मोनोमर होगा. क्वेश्चन नंबर 4 है फॉस्फो प्रोटीन कम्स अंडर द टाइप ऑफ प्रोटीन, ये सिंपल प्रोटीन नहीं हो सकता, ट्राइप्ड भी नहीं होगा. उसकी वजह यह है कि सिंपल प्रोटीन से ही मेनली ड्राई प्रोटीन्स की कैटेगरीज पाई जाती हैं. तो हमारा जो ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी बनता है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है द स्टेबिलिटी इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ड्यू टू. अच्छा, अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें, ये स्ट्रक्चर में बेसिकली कुछ हमें प्रोमिनेंट लाइन नजर आ रही है जैसे ये है और कुछ डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ठीक है. अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है हाइड्रोजन बॉन्ड को, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बेसिकली टर्शरी यानी कि स्ट्रक्चर होता है या बाइंडिंग होती है. अब सवाल क्या है? सवाल में पूछा गया है कि द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है आया कि इन इन बॉन्डिंग से कोवलेंट बॉन्डिंग से मजबूत है या ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इससे मजबूत है. तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनको स्ट्रेंथ देता है. तो इसमें हमारा ऑप्शन वो होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जिक्र किया गया हो. ऑप्शन ए में दिया गया है डाइसल्फाइड ब्रिज, बी में वीक वंडरवाल फोर्सेस एंड सी में दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द स्ट्रक्चर, डी में दिया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एनएच ग्रुप ऑफ वन पेप्टाइड विद अनदर पेप्टाइड. तो इस रिस्पेक्ट से जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एनएच ग्रुप ऑफ वन पेप्टाइड विद अनदर पेप्टाइड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अमाइनो एसिड रिएक्ट विद ईच अदर सच दैट सी डब्ल्यू एच ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रिएक्ट विद अनदर अमंग एसिड टू गिव द कंडेंस स्ट्रक्चर एज शोन बिलो. ये हमें एक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें दो अमाइनो एसिड कंबाइंड है. व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किल पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर. अगर हमें याद हो कि अमाइनो एसिड जब भी आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो पेप्टाइड लिंक बनाते हैं, और ये जो सर्किल पार्ट है इसी लिंक को ही पेप्टाइड लिंक, बेसिकली ये जो होता है ये लिंक है, इस लिंक की बात कर रहा हूँ, ये पेप्टाइड लिंक कहलाता है. तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है रोल ऑफ द कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन. बहुत इजी क्वेश्चन है.
कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है या एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन को कम कर देता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट है हमारा, 8 ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू इथेनॉल बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन द यीस्ट। अगर हम यादव फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज को इथेनॉल में, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जो यीस्ट ऐड की जाती है, तो यीस्ट या यीस्ट बेसिकली यीस्ट के अंदर का एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं जाइमेस, ये बेसिकली कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इथेनॉल के अंदर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोटीन विच गिव एन अमीनो एसिड एंड नॉन प्रोटीन ग्रुप ऑन हाइड्रोलिसिस आर नोन एज। तो बेसिकली बहुत ही आसान आंसर है इसका, अगर आपको याद हो कि सिर्फ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर नॉन प्रोटीनिक पार्ट भी मौजूद होता है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप टाइप के जो होते हैं वो भी होते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है द एंजाइम विच इज फाउंड इन सलाइवा एक्सेलरेट द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, वो एंजाइम जो कि हमारे सलाइवा में पाया जाता है, जो कि कोशिश करता है या बेसिकली इस रेट ऑफ रिएक्शन जिसको कहना चाहिए वो बढ़ाने की कोशिश करता है कि स्टार्च डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए शुगर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बेसिकली अगर आपको याद हो तो उसको कहते हैं थाइलेन। अच्छा इसमें थाइलेन में ये पी साइलेंट होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम ऊपर देख चुके हैं कि प्रोटीन्स को बेसिकली अमाइनो एसिड्स जो आपस में जुड़ते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड से ही जुड़ते हैं, तो ये इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसी ये पेप्टाइड लिंक के रिलेटेड बस वर्ड्स को पैराज को चेंज करके वो क्वेश्चन बनाते रहते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, बेस्ड ऑन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज प्रोटीन में बी क्लासिफाइड इनटू सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन, ड्राइव प्रोटीन। हाँ इन तीनों में ही होता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, बेस्ड ऑन द फंक्शन थायरॉक्स कैन बी क्लासिफाइड एज। ऑप्शन ए हार्मोनल, बी है स्ट्रक्चरल, 3 है सी है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड डी है जेनेटिक प्रोटीन। बेसिकली थायरॉक्स एक हार्मोनल प्रोटीन है, ठीक है, ये हार्मोनल एक्टिविटीज को चेक करता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, एल एस्पेराजिनेसिस एंजाइम्स हैज बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ, अगर हमें याद हो एस्पेराजिनेसिस जो भी हमारे एंजाइम्स होते हैं ये कैंसर की ट्रीटमेंट में काम आते हैं, तो ऑप्शन में अगर हम देखते हैं ऑप्शन ए में जॉइंटिस दिया हुआ है, बी में ब्लड कैंसर, सी में रिकेट्स और डी में हीट डिजीज, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ब्लड कैंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैज द पेप्टाइड लिंक। अच्छा अगेन सेम क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, मैनी एंजाइम्स कंटेन अ प्रोटीन पार्ट एंड अ नॉन प्रोटीन पार्ट, द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड। अच्छा अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एंजाइम्स के साथ जो प्रोटीन और या नॉन प्रोटीन पार्ट्स होता है उसको हम, जो एंजाइम की तरह ही बिहेव करता है उसको हम को एंजाइम्स भी कहते हैं और को फैक्टर्स भी कहते हैं, तो इस रिस्पेक्ट से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 का आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, बी एंड सी बोथ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि द एक्टिवेटर फॉर द क्रोम ऑक्साइड इज, जो हमारी बॉडी के अंदर यूज भी होता है आयरन बेसिकली Fe+2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा ऑप्शन ए में लिखा है प्राइमरी, बी में टर्शरी और सी में सेकेंडरी और डी में क्वार्टरनरी। अगर हमें याद हो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बेसिकली जब आपके अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड लिंक बनाते हैं तो वो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन जब वो प्रोटीन्स आपस में जुड़ते हैं तो वो एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन वो प्रोटीन आपस में जुड़ते किस तरह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से,
तो फिर वो सेकंड टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ऑल प्रोटीन्स यील्ड, यील्ड का मतलब है प्रोड्यूस करना डैश अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो ऑलमोस्ट सारे प्रोटीन्स जो है वो हमारे पास अमाइनो एसिड से ही बने होते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है आज इस लेसन का, व्हाट कॉमन नेम कैन बी गिवन टू लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। तो बेसिकली ये सारे पॉलीमर्स का कॉमन नेम क्या होगा, ऑप्शन ए में दिखा हुआ है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, बी में दिखा हुआ है इनऑर्गेनिक, डी में सिंथेसिस और सी में बायो पॉलीमर्स। बी और डी तो वैसे ही नहीं हो सकते, रीजन ये है कि ये इनऑर्गेनिक पार्ट नहीं है, नॉन लिविंग पार्ट नहीं है, और सिंथेटिक का मतलब यह है कि जो चीज़ लैब में बनाई गई हो, हम सब जानते हैं इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक है। अच्छा अब ऑर्गेनिक और बायोपॉलीमर में हम ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। रीज़न बहुत सिंपल सा है कि बेसिकली कि ऐसे पॉलीमर्स जिनका डायरेक्टली लाइफ से ताल्लुक है तो उनको बायोपॉलीमर्स कहा जाता है। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।